हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम देख रहे हैं बच्चों हमारा पीब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 7 ग्रुप 15 के बारे में, जो कि आज का आपका ग्रुप 15 के लिए लास्ट लेक्चर है ये। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे बच्चों ग्रुप 16 एलिमेंट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ग्रुप 15 के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजिली गया होगा आप लोगों को चैप्टर, ये काफ़ी ईजिली काफ़ी सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसमें। कल हम कहाँ थे बच्चों? फॉस्फोरस के कंपाउंड पे। तो मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस कंपाउंड्स कौन कौन से थे बच्चों? फॉस्फोरस के कंपाउंड्स पहला था मेरा यहां पर एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। इसमें मैंने क्या बता दिया था बच्चों? व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, इसके बारे में मैंने बता दिया था। उसके बाद हमारा क्या था बच्चों यहाँ पर? एलोट्रॉप्स के बाद हमारा था बच्चों यहाँ पर फॉस्फीन, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? PH3। ये भी मैंने आपको बताया था, ये आप लोगों को आ गया होगा, आई होप सो कि आप लोगों को आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस और क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारा ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है, ये आपको याद रखना है, और जनरली आपको ये वाला भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तो बाकी तो इम्पोर्टेंट है आपके, है ही सही, ऑक्साइड में उतना ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं है, लेकिन हम लोगों को उतना समझना है जो हमारे आगे के लिए काम में आए, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, हमारे सामने यहाँ पर दो टाइप के हैलाइड्स है बच्चों। कितने टाइप के हैलाइड्स है बच्चों? दो टाइप के हैलाइड्स है, कौन कौन से? PCl5 एंड PCl3। तो उसको हमको पढ़ना है PCl3 एंड PCl5, ठीक है। तो पहला जो हैलाइड है हमारे सामने क्या आता है बच्चों? ट्राई हैलाइड। पहला जो हैलाइड है हमारे सामने कौन सा बच्चों? ट्राई हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तो देख लेते हैं यहां पर सबसे पहला हमारा फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ये आपका क्या होता है बच्चों? PCl3। ये आपका क्या होता है? PCl3। फॉस्फोरस है, ट्राई क्लोराइड का मतलब तीन क्लोरीन, इसी को हम बोलते हैं PCl3। अब इसके बारे में एक एक करके डिटेल में हम लोग समझते हैं बच्चों। सबसे पहले इसका हम लोग क्या समझेंगे बच्चों? प्रिपरेशन मेथड। तो इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा बच्चों? प्रिपरेशन मेथड, अब इसका प्रिपरेशन मेथड समझते हैं बच्चों हम लोग, काफी ज्यादा सिंपल है। देखो प्रिपरेशन मेथड में क्या करेंगे बच्चों? जो हमारा P4 होगा, P4 में अगर मैंने Cl2 मिला दिया, वो भी कौन से अमाउंट में बच्चों? लिमिटेड अमाउंट में। देखो ये एक्चुअली PCl3 और PCl5 में से कम क्लोरीन किसके पास है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए कि PCl3 और PCl5 में से कम क्लोरीन किसके पास है, ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे PCl3 के पास। तो PCl3 में क्या हुआ बच्चों? लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन को ऐड किया, तो आपका क्या बना बच्चों यहाँ पर? PCl3। यहाँ पर आप लोगों का क्या बना बच्चों? यहाँ पर PCl3। ये तो था पहला प्रिपरेशन मेथड, और सेकंड प्रिपरेशन मेथड है बच्चों P4 की रिएक्शन अगर मैंने SOCl2 के साथ करवाई, तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा PCl3 H2Cl2, PCl3 और क्या बन जाएगा यहां पर? H2Cl2, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी बच्चों आपके? SO2 गैस। साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी बच्चों आपके? SO2 गैस। तो ये कुछ आपका तरीका रहेगा इसको आप लोगों को समझना है। देखो यहाँ पर आपको इस रिएक्शन में थोड़ी तकलीफ होगी याद करने में, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि सर ये रिएक्शन कैसे याद रखें, ठीक है।
ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखने का मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल टेक्निक देने वाला हूँ, समझना है। यहाँ पर SO में ऑक्सीजन कितना है, एक है। अगर ऑक्सीजन अगर एक होगा तो PCl3 बनेगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होगा तो वहां आपका PCl5 बनेगा। अब समझना, यहाँ पर एक्स्ट्रा में करके लिख लो, वो आगे भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका P4 की रिएक्शन SO2Cl2 के साथ होगा तो यहाँ पर PCl5 और SO2 गैस बनेगा, ठीक है। तो देखो ज्यादा ऑक्सीजन है यहाँ पर, यहाँ पर आप इस बात को थोड़ा गौर करो, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, दो है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, एक है। तो इसका मतलब यहाँ पर PCl3 बना, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो ज्यादा वाला बना। ये चीज आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसको यहीं पर कवर करते जाओ आप लोग साथ साथ ही। आगे तो मैं बताऊंगा इसे PCl5 में, तो ये आपका PCl5 प्रिपेयर करने का एक अनोखा मेथड मिल गया आप लोगों को। अब इसकी प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं बच्चों। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज आपकी होगी, दिस इज अ कलरलेस लिक्विड, यह आपका क्या होता है बेटा, कलरलेस लिक्विड विद अ पंजेंट स्मेल, ये आपका होता है बच्चों कलरलेस लिक्विड, ये आपका होता है कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल, विद पंजेंट स्मेल, मतलब ये आपका एक तरीके का क्या होता है बच्चों, कलरलेस लिक्विड होता है जो कि आपका क्या होता है बच्चों, पंजेंट स्मेल होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपका पंजेंट स्मेल। नाउ वी विल मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ PCl3, केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं PCl3 के हम लोग। तो देख लेते हैं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। अब देखो PCl3 का केमिकल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं PCl3 की बात करूं तो PCl3 के केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, एक एक करके एक एक रिएक्शन को आपको समझना है। तो देखो अगर बेटा आप लोगों का यहां पर PCl3 अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, वो भी कौन सा वाला ऑक्सीजन, मॉइस्चर, जिसके अंदर क्या हो बच्चों, मॉइस्चर वर्ड का मतलब है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट हो, जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल। अब बात समझना, यहां पर कौन सा वाला है, +3 वाला है, तो ये आपका +3 वाला ऑक्सी एसिड बना लेगा। देखो यहां पर +3 वाला ऑक्सी एसिड बना लिया, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर वाला ये क्या बना लेता है बच्चों, आप लोगों का ऑक्सी एसिड। अगर बच्चों यहां पर सेकंड PCl3 की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करवा दी तो यहां पर क्या बन जाता है बच्चों, POCl3। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, फॉस्फोराइल क्लोराइड। मतलब आपका क्या बनेगा बच्चों, POCl3, मतलब इस तरीके का आपका बन जाता है। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये आपका क्या बन जाता है, फॉस्फोराइल क्लोराइड। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद एक और रिएक्शन होती है बच्चों आप लोगों के, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर PCl3 की रिएक्शन अगर मैं SO2 के साथ कराता हूँ, समझना, इन सपोज दैट कि अगर मैंने यहाँ पर PCl3 की रिएक्शन SO2 के साथ कराई तो भी आपका क्या बन जाएगा, फॉस्फोराइल क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर सल्फर बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, फॉस्फोराइल क्लोराइड। ये नाम और काम दोनों ध्यान रखो, फॉस्फोराइल क्लोराइड आपका बनेगा, ठीक है। ये आपका काफी इजी है, इस तरीके से आपका कुछ प्रॉपर्टी होता है। अब बात समझना, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री PCl3 का काम क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करना। हाइड्रोक्सी ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, OH को रिप्लेस करना। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप को तुम्हें हटाना है क्लोरीन के साथ, तो आप किसको ऐड करोगे, PCl3 को। तो समझते हैं यहां पर कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फोर्थ पॉइंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंपाउंड हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप, क्या बोलेंगे OH ग्रुप या फिर इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl by PCl3, मतलब PCl3 के साथ हम OH ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोचो जैसे मैंने लिया एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिया आप लोगों का ROH, मैंने आपका क्या लिया ROH। अब देखो ROH की रिएक्शन अगर मैंने PCl3 के साथ करा दी तो आपका क्या बनेगा RCl बन जाएगा और साथ में आपका क्या बन जाएगा H3PO3। और सिमिलरली मैंने एक और रिएक्शन लिया जैसे CH3COOH, अब आपको नाम पता होगा बच्चों इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और ये होता है आपका अल्कोहल। अब ये एक चीज है आपको आगे भी जाके मिलने वाली है, तो यहाँ पर भी PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ये आपका बन जाएगा। इस चीज को थोड़ा फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे जाके मिलेगा तो आप लोगों को उस टाइम में रिपीट कराऊंगा। अगर मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाया तो आप लोगों को इन सब के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को काफी अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग फोकस करो, इस पॉइंट्स पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करो। तो ये तो था हमारा PCl3। अगर मैं बोलना चाहूँ कि PCl3 का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा बच्चों, आपका PCl3 का स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल, कि कैसा होगा। अब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अप्रोक्सीमेट बोल नहीं सकते, लेकिन इसका जो आपका ज्योमेट्री होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी बच्चों टेट्राहाइड्रल, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी बच्चों टेट्राहाइड्रल, और स्ट्रक्चर और इसका शेप कैसा होगा बच्चों, शेप आपका पिरामिडल होगा, शेप आपका क्या होगा बच्चों पिरामिडल। ये चीजें हैं जो कि आपके, अब देखो शेप और ज्योमेट्री आपकी कहाँ से आई, एक्चुअली शेप और ज्योमेट्री आपकी कहाँ से आई, ये सब आपका आया VACPR मॉडल से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी से, VACPR थियरी से ये सब हमको जानने को मिला है, ठीक है। इस तरीके से हमारा था यहाँ पर आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, मतलब PCl5। देखो सिंपल है रिएक्शंस आपको समझना। अगला टॉपिक हमारा क्या था फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ऐसे ऐसे ही करके मगअप करते ही जाओ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं बच्चों यहां पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको हम बोलते हैं PCl5। क्या होता है बच्चों ये आपका PCl5, देखो 5 Cl है इसलिए इसका नाम क्या हो गया फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। बात समझ में आई बच्चों। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो इसका प्रिपरेशन मेथड, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं बच्चों। प्रिपरेशन मेथड क्या होता है बच्चों इसका समझ लेते हैं। देखो पहला जो आपका प्रिपरेशन मेथड है बच्चों यहाँ पर P4 की रिएक्शन, अगर मैंने P4 की रिएक्शन Cl2 के साथ एक्सेस अमाउंट में करवाई तो आपका क्या बन जाएगा PCl5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा PCl5। देखो आपका एक्सेस है मतलब ज्यादा क्लोरीन है तो ज्यादा क्लोरीन वाला आपका क्लोराइड कौन सा है PCl3 है क्या PCl5 है। अब आप लोग बोलोगे पक्का ऑब्वियसली कि आपका PCl5 है सर, तो PCl5 ही आपका बनेगा अगर एक्सेस में होगा, तो जो आपका एक्सेस में होगा वही आपका बनेगा। इस चीज को आप लोगों को समझ के चलना है। सेकेंड जो प्रिपरेशन मेथड है जो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ उसको थोड़ा समझना। अगर मैंने P4 की रिएक्शन देखो SO2Cl2 के साथ बताया था, अभी मैंने बताया था आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बताया था, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों PCl5 बन जाएगा और साथ में आपका कौन सी गैस रिलीज होगी SO2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। आपकी कौन सी गैस आपकी रिलीज हो जाएगी बच्चों SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब जो थर्ड प्रिपरेशन मेथड है, अगर मैंने PCl3 की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, दिस इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो कि आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में काफी हद तक इस रिएक्शन को सॉल्व किया होगा।
तो ये आपको बताने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये भी क्या होता है बच्चों, ये भी आपका येलोइश लिक्विड होता है विद अ पंजेंट, इसमें सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसकी जो आपके प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बच्चों, येलोइश लिक्विड विद पंजेंट स्मेल, विद पंजेंट स्मेल, ये एक टाइप का आपका येलोइश लिक्विड होता है जो क्या होता है बच्चों, पंजेंट स्मेल के साथ होता है। ये आपका हो गया यहाँ पर क्या प्रिपरेशन मेथड, यहाँ पर आपका हो गया प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देख लेते केमिकल प्रॉपर्टीज। अब समझना केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बच्चों इसके, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों को कोशिश करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो PCl5, अगर मैंने PCl5 को अगर मैं थर्मली डिकम्पोज करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा। अगर मैं PCl5 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। और जैसा आप लोग जानते हो यहां पर एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ये कौन सा बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, इसको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड लेंथ, इसको बोलेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब बताओ यहां पर आपका इक्विटोरियल बॉन्ड ज्यादा होता है कि एक्सियल बॉन्ड, तो आप लोगों को पता पड़ेगा यहां पर आपका एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है किससे, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से। तो अब मैं बोलूंगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड आपका स्ट्रांग होगा, अब आपको पता पड़ रहा होगा बेटा, जिसकी जो आपकी बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी वो बॉन्ड वीक होगा, वो बॉन्ड क्या होगा बच्चों आपका, वीक होगा। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ आपकी किसकी ज्यादा है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ की ज्यादा है, अगर एक्सियल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये आपका कैसा होगा बच्चों, वीक बॉन्ड होगा, ये आपका कैसा होगा बच्चों, वीक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ मतलब बड़ा बॉन्ड वीक होता है, छोटा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर मैं इसको अब मैं टेम्परेचर के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करने पर ये वाला भी टूटेगा, ये वाला भी टूटेगा, तो देखो यही दोनों क्लोरीन आपके टूटेंगे। यहाँ से यही बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग तैयारी रखो इसकी, ठीक है। तो ये वाले दोनों बॉन्ड आपके टूटेंगे, ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब इसके बाद में बात करता हूँ H2O के साथ रिएक्शन, एक्शन ऑफ H2O। देखो PCl5 का अगर मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या है बच्चों, +5 का क्लोराइड है। अब +5 का क्लोराइड हटके आपका क्या बनाएगा, +5 का ऑक्सी एसिड, जी जैसा हमने पहले के में क्या था, H3PO4 आपका कन्वर्ट कर लेगा, या अपने आपको H3PO4 में ये आपका क्या कर लेगा बच्चों, कन्वर्ट कर लेगा, और साथ में क्या होगा HCl बनेगा, साथ में क्या होगा HCl बनेगा। अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म किस तरीके से फ्लो करता है बच्चों इस रिएक्शन का, मैं आप लोगों को इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, PCl5 जब H2O के साथ रिएक्शन करता है, बात को ध्यान से समझना, PCl5 जब आपके H2O के साथ रिएक्शन करता है तो फर्स्ट स्टेप जब आपका PCl5 जब आपका H2O के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर POCl3 बनता है, और अगर सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, POCl3 सेकंड स्टेप में POCl3 जब आपका H2O के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर H3PO4 बनता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बारे में काफ़ी इजीली, ठीक है। ये तो था हमारा मैकेनिज्म, ये था हमारा इससे रिलेटेड मैकेनिज्म। अब हम समझते हैं बच्चों ये POCl3 कब बनता है, अब समझ में आ गया होगा आपको POCl3 बनता कब है, आपको समझ में आ गया, PCl3 से भी बनता है, और PCl5 की अगर एक मोल H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका POCl3 बनेगा, बात को ध्यान से समझो, ठीक है। अब ये एक्चुअली थर्ड इसका है आयोनिक कंपाउंड भी बनाता है, आयोनिक कंपाउंड को भी फॉर्म करता है, आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन का भी काम करता है बच्चों ये आपका। अब आयोनिक कंपाउंड का फॉर्म किस तरीके से करेगा बच्चों ये समझते हैं, आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म किस तरीके से करेगा,
अगर मेरे पास PCl5 होगा, PCl5 के साथ मेरा BCl3 होगा, बोरोन ट्राइक्लोराइड। समझना, ये अपना क्लोरीन इसको देगा, ये अपना क्लोरीन इसको देगा। जब जब इसने अपने में से एक क्लोरीन निकाला तो यहाँ पर PCl4+ बना और यहाँ पर क्या बन जाएगा, BCl4- बन जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये आपका आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इस चीज़ों को आप लोगों को जानना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फोर्थ पॉइंट, सॉलिड फॉर्म ऑफ PCl3, सॉलिड फॉर्म ऑफ PCl5 is exist in the form of ions। मतलब ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब जैसे PCl5 है, ये आपका टूटेगा तो क्या बनाएगा, PCl6, यहाँ पर PCl4+ और यहाँ पर PCl6-। अब ये आपका होमवर्क है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को बताना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को बताना है। इसका क्या बताना है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे बच्चे अब ये होमवर्क देना बंद कर दिए, वो फिर से मैं उनको रिमेम्बर करा देता हूँ। अगर आप लोग होमवर्क करते रहोगे तो आप लोगों के टॉपिक कमांड में रहेंगे, वरना आप लोग सब भूल जाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये टॉपिक को कमांड में करना है, तो कंटिन्यू होमवर्क करते रहे, जो जो मैं बोलता हूँ यही यही होमवर्क करते रहे। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते रहे आपको, इसी को करने को बोल रहा हूँ। कुछ इसकी खास बात होगी जो आपको आगे जाके एनालिसिस करने को मिलेगा, अभी मैं बोलूंगा तो आपको एनालिसिस करने को नहीं मिलेगा, कुछ खास बात होगी जो आपको आगे जाके एनालिसिस करने को मिल सकती है। आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं बच्चों। ये तो हो गया हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, ये तो आपका हो गया हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते बच्चों। अब हम देखो, अब हम चलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो, आपके सिलेबस में दो ही टाइप के, वैसे तो मैं बहुत सारे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं है, आपके बुक के पेजेस बढ़ेंगे, आपके नोट्स के पेजेस बढ़ेंगे। वो नोट्स के पेजेस बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, जो पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में है, जो आपको पूछ सकता है, उसी से रिलेटेड हम लोग करें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक्स्ट्रा बहुत कुछ है। हे बेटा, आपके सिलेबस में दो ही टाइप के ऑक्साइड है, P4O6 के बारे में, एक आपका P4O10 के बारे में। अब देखो, P4O6, इसके अलावा भी ऑक्साइड होते हैं जो मैं आप लोगों को कभी आगे जाके बताऊंगा, जब मैं एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेने का लेक्चर बनाऊंगा तब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है, यहाँ अभी नहीं। अब देखो, P4O6, अगर मैं P4O6 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, और सबसे पहले इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इसका डिवीजन करके ही हम लोगों को इसको पढ़ना है, ताकि हमको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर P4O10 के बारे में पढ़ना है। अब देखो, P4O6 क्या होता है बच्चों, समझते हैं एक एक करके। P4O6 अगर मुझे बोलना है तो यहां पर POP, यहाँ पर POP, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ब्रिज वाले दो POP बॉन्ड रहेंगे। अब देखो, ये स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, आप अगर ए वाले स्ट्रक्चर को अच्छे से समझोगे तो सारे स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे। अब देखो, बात तो वही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, चार ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हुए जो कि आपके इससे जुड़ गए। बात समझना, अब इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर फास्फोरस के पास लोन पेयर होता है, यहां पर फास्फोरस के पास लोन पेयर होता है, क्योंकि फास्फोरस आपका तीन ही बॉन्ड बना रहा है। यहां पर फास्फोरस के पास लोन पेयर होता है, फास्फोरस आपका तीन ही बॉन्ड बना रहा है। यहां पर फास्फोरस के पास लोन पेयर नहीं होता, यहां पर फास्फोरस देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो, इसमें जो ये वाला बॉन्ड होता है वो आपका P pi D pi बॉन्ड होता है। वो कौन सा होता है, P pi D pi बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, P pi D pi बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को आप लोगों को समझना है, बात क्लियर है, इतना सा आप लोगों को समझना है। अब यही जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका क्या रहता है, कैलकुलेट द, आप लोगों को क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये आपको करना है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन
बॉन्ड इन पीओपी मतलब ऐसा नहीं, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड इन P4O6 एंड P4O10। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर, अगला क्वेश्चन ठीक है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन P4O6 एंड P4O10। अब देखो आपको कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर भी आपको कैलकुलेट करना है। आप देखो यहां पर कितने लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे, एक ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, दो लोन पेयर होंगे। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन के पास आपके दो लोन पेयर होते हैं। सिमिलरली यहां पर भी आपके सिमिलरली दो लोन पेयर होते हैं, ये आपके दो लोन पेयर मैंने बना दिए सब पे। ठीक है ना, आप लोगों को लोन पेयर और वो कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन P4O6 एंड P4O10। अब देखो यहां पर एक दो तीन चार मतलब डबल बॉन्ड होगा तो भी आपका पाई बॉन्ड होगा, ये तो मैंने बता रखा है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करने और आपको मुझे भेजना है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बार बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये तो था हमारे इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमको इतने ही क्वेश्चन भेजे जाएंगे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं जो कि आपको मैंने लिखवा दिए। थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगला देख लेते हैं बच्चों, अब हम इन सब का देख लेते हैं बच्चों एक एक करके, जो मैंने यहाँ पर डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है उसी को समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर P4O6 अगर मैं बोलूँ कि इसका प्रिपरेशन मेथड, तो क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिपरेशन मेथड। यहाँ पर भी प्रिपरेशन मेथड देखना है और यहाँ पर भी आपको क्या देखना है बच्चों, प्रिपरेशन मेथड। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे वही पूछा जाएगा जो आपके थोड़ा सा अलग होगा, हटके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 6, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 10 है। तो ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में कहाँ होगा, ऑब्वियसली अब आपको आइडिया लग गया होगा। अगर मैंने P4 की रिएक्शन O2 इन अ लिमिटेड अमाउंट कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, P4O6 बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर P4 की रिएक्शन O2 के साथ एक्सेस अमाउंट में कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, P4O10 बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये तो आपको समझ में आ गया था। अब हम समझते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो केमिकल प्रॉपर्टी से जो आपको प्रॉब्लम है उसको समझ लेते हैं। एक्शन विद वाटर, यही जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्शन विद वाटर, यहाँ पर भी देखना इसको, एक्शन विद वाटर, यही जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर। यहाँ से आप लोगों का यही क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप कर सकता है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाना है तो। देख लेते हैं अब एक्शन विद वाटर, अगर मैं P4O6 की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराऊंगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, +3 का एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, +3 का ऑक्सी एसिड बनाएगा, जैसे H3PO3। लेकिन अगर मैंने इसको P4O6 को H2O में डाला, हॉट वाले में बेटा, यही तो अंतर है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तभी इस रिएक्शन को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। सिंपल वाले में डालेंगे तो ये बनेगा, हॉट वाले में डिसप्रोपोर्शनेट कर जाएगा। हॉट वाले में क्या कर जाएगा बच्चों, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा। हॉट वाले में आपको किसको शो करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो PH3 बन जाएगा और आपका H3PO4। अब देखो यहाँ पर +3 वाला है,
प्लस थ्री वाले से एक आपका माइनस थ्री वाला बना और एक प्लस थ्री वाले से आपका प्लस फाइव वाला बना। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, मगअप कर लेना है, याद रखना है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा याद रखने की। अब देखो पी फोर ओ टेन का जब मैं एच टू ओ के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ऑब्वियसली ये आपका प्लस फाइव वाला है, तो प्लस फाइव वाला ऑक्सी एसिड बनाएगा। तो क्या बनाएगा बच्चों, प्लस फाइव वाला ऑक्सी एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लस फाइव वाला ऑक्सी एसिड, ये भी ऑक्सी एसिड है, प्लस फाइव वाला ऑक्सी एसिड बनाएगा। तो यहाँ पर भी आपका प्लस फाइव वाला ऑक्सी एसिड क्या होता है? एस थ्री पी ओ फोर, और ये कौन सा वाला है? एस थ्री पी ओ थ्री, प्लस थ्री वाला ऑक्सी एसिड। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अगर मैं आप समझना, यहाँ पर पी फोर ओ टेन की रिएक्शन अगर मैंने एच टू ओ के साथ करा दिया, ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये है कि अगर मैंने इसको जनरली रिएक्शन अगर मैंने एच टू ओ के साथ कराया तो यहां पर प्लस थ्री वाला ये बना लेगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा। और अगर मैंने पी फोर ओ टेन की रिएक्शन मैंने एच टू ओ के साथ करवाई तो यहां पर आप लोगों का क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर आप लोगों का बन जाएगा एस थ्री पी ओ फोर, और एस थ्री पी ओ फोर को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड हम लोग बोल देते हैं बच्चों इसको। काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को बोल सकते हैं। अब देखो पी फोर ओ टेन खुद में एक क्या होता है बच्चों? बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जिसका हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज करेंगे। काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, NH3 will be dehydrated by CaO but not dehydrated by P2O5 बोलो या फिर P4O10 बोलो, बात एक ही है। देखो P2O5 का एक्चुअली ये खुद में डाइमर फॉर्म है, ये आपका P2O3 का खुद में एक डाइमर फॉर्म है, बात को समझना। अब P2O5 के थ्रू वो डिहाइड्रेट नहीं होता, ना ही H2SO4 के थ्रू। H2SO4 भी हालांकि खुद में एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, P2O5 भी बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और CaO भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बट NH3 को डिहाइड्रेटेड करने के लिए आपको CaO की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमको P2O5 यूज नहीं कर सकते और हम लोग H2SO4 यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवाया है, आप लोग उस क्वेश्चन को वापस से देखो, नाइट्रोजन फैमिली में अमोनिया में एक बार थोड़ा सा ध्यान से शिथिल मन से देखो आप लोग। अब इस बात को समझना कि एक्चुअली खुद में ये क्या होता है? बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब ही आपका होता है बच्चों यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां से पानी को रिमूव करेगा, ये कंसेप्ट है सिंपल, ये आपका सिंपली कंसेप्ट है, यहां से वाटर को आपको रिमूव करेगा। अब वाटर को आपको रिमूव करना है तो इससे कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आप लोगों को लिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखवाऊं तो समझना, P2O5 या फिर P4O10 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपका, ये आपस में ये क्या होता है बच्चों? आप लोगों का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कैसे? ये रिएक्शन आप लोगों ने लिखी हुई है, ये रिएक्शन मैंने बोला था रिपीट भी करूंगा। आप देखो यहां पर बनेगा N2O5 और साथ में क्या बनेगा? H3PO4। अब सर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे? मुझे तो पता ही नहीं पड़ रहा कैसे। अब थोड़ा सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। अगर मैंने H2O को दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? H2N2O6, इसमें से एक मोल वाटर निकाल दिया तो क्या होगा? N2O5। अब इस बात को ध्यान रखो कि HNO3 इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ N2O4। अब बात को ध्यान से समझना, HNO3 इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ N2O4। यहां पर HNO3 इज अ हाइड्रेटेड या फिर HNO3 का एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस फॉर्म मतलब जिसमें किसी भी टाइप का वाटर मॉलिक्यूल ना रहे, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे बोला कि H3PO4 का एनहाइड्रस फॉर्म क्या होगा सर?
H3PO4 का एनहाइड्रस फॉर्म क्या होगा? थोड़ा आप लोग थोड़ा थोड़ा सर बताइए आप लोग, तो एनहाइड्रस फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर H3PO4 प्लस 3 में, तो प्लस 3 वाला जो ऑक्साइड होगा वो खुद में इसका क्या होगा? एनहाइड्रस फॉर्म, खुद में क्या होगा? एनहाइड्रस फॉर्म। ये थोड़ा नोट डाल के लिख लो, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगर मैं बोलना चाहूँ H3PO3 का एनहाइड्रस फॉर्म क्या होगा, सॉरी ये H3PO3 का है, अब अगर मैं बोलना चाहूँ H3PO4 का क्या होगा, तो P2O10, P2O5, दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस। मतलब अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूंगा तो इसका मतलब हाइड्रस। अब खुद सोचो ना कि अगर मैंने P2O3 की रिएक्शन कराई H2O के साथ तो ये बनता था, अगर मैं P2O3 की रिएक्शन कराता तो H2O का ये बनता था, अब इसका अगर मैंने वाटर निकाल दिया तो ये बनेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करो, ठीक है। ये थोड़ा नोट डाल के लिख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने एनहाइड्रस फॉर्म कैसे निकालते हैं। किसी का भी आप लोग एनहाइड्रस फॉर्म निकाल लोगे, लेकिन अगर आप लोगों को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे तभी। तो ये तो था हमारा फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। अब ये आपका H2SO4 को भी डिहाइड्रेट करता है, H2SO4 को डिहाइड्रेट करेगा, तो थोड़ा सोचो, थोड़ा इसी में एक और रिएक्शन यहां लिख देता हूं। अब ये आपका H2SO4 को भी डिहाइड्रेट करेगा, P2O5। अब डिहाइड्रेट करेगा मतलब इसके अंदर से पानी निकालेगा। अब मतलब क्या होगा कि इसके अंदर से जो पानी निकालेगा वो पानी इसके साथ रिएक्शन करेगा। यहां पर भी वही हुआ, इसके अंदर से पानी निकाला और वही पानी आपका P2O5 के साथ रिएक्शन करके H3PO4 बनाया, और इसमें से जो पानी निकला, पानी निकलने की वजह से ये बन गया। अब थोड़ा सोचो, इसमें से पानी कैसे निकालोगे, इसमें से पानी कैसे निकालोगे? निकालो, अगर मैंने डायरेक्टली H2SO4 में से H2O माइनस कर दिया तो क्या बना हमारा, आप लोग समझ सकते हो, SO3 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसमें से पानी निकाल दिया तो SO3 बन गया, और साथ में यहां पर H2O जब आपका P2O5 के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो यहां पर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब +5 का होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, H3PO4। देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ रिएक्शन को लॉजिकली मैं सोच रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करो कि रिएक्शन को आप लोग लॉजिकली वे में जाओ, तो इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को समझ सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी इजी काफी सिंपल है, ठीक है। आई होप सो कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट, यहां तक तो आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से चैप्टर जाने वाला है, थोड़ा सा अभी आपको टफ लगा होगा, एक दो बार रीड करोगे तो आप लोगों को याद भी मैं ही करा दूंगा, डोंट वरी, याद करने की आप लोग चिंता ना करो, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। आप देखो, ऑक्साइड्स मैंने आपको बता दिए, हैलाइड्स बता दिए, फॉस्फीन के बारे में बता दिए, एनहाइड्रस के बारे में बता दिए, अब हमारा बचा है लास्ट ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड के डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में दिया था, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब यहां पर मैं कुछ नोट डाल के लिखाता हूं, स्पेशल नोट डाल के मैं कुछ लिखा देता हूं। अगर मैंने ऑर्थो में से एक वाटर मॉलिक्यूल को हटाया तो यहां पर क्या बनता है बच्चों, मेटा आपका बनेगा। ये पहला नोट आप लोग ध्यान रखो। दूसरा नोट, अगर मैंने 2 मोल ऑफ ऑर्थो में से एक वाटर मॉलिक्यूल हटाया तो आपका क्या बनेगा, पायरो। अभी इसका मैं बहुत वर्ड बहुत अच्छे फॉर्म में यूज करने वाला हूं, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखो बस, ठीक है। ऑर्थो का मतलब होता है प्योर फॉर्म। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक एक करके समझेंगे। देखो यहाँ पर पहले मैं एक पूरा बता देता हूँ किस तरीके से चलने वाले, देन आफ्टर हम चलेंगे। यहाँ पर 4 टाइप के ऑक्सी एसिड के बारे में आपको पढ़ने, एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का, एक आपका +3 का, एक आपको +4 का याद रखना है, एक आपको याद रखना है +5 का, ठीक है। अब +3 का क्या होगा, +1 का क्या होता है, H3PO2, इसका नाम क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब एक होता है आपका H3PO3, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, ऑर्थो
फॉस्फोरस एसिड। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, इसका होता है H3PO4, इसका नाम होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होता है। इसका नाम क्या होता है बच्चों आपका, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब प्लस फोर वाला अब देखो यहां पर, अब देखो प्लस फोर वाला क्या होता है बेटा, यहां पर प्लस फोर वाला समझना, यहां पर आपका प्लस फोर वाला होता है बच्चों, प्लस फोर वाला आपका होता है H4P2O6। इसका थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या मैंने सही किया, आप देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस फोर और हाइड्रोजन की वजह से 2X प्लस, आप लोग खुद से एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूर याद रखना, प्लस 2L=0, देन 2X=8, X=+4। हाँ, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब आपको बातें समझनी है जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ऑर्थो के बाद आपका हाइपो आएगा। अब देखो यहां पर अस वाला है तो अस वाले का आएगा जस्ट ऊपर, यहां पर एक वाला है तो एक वाले का ही आपका हाइपो आया। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखो, बस आप ऑक्सीडेशन नंबर का एक लेवल ध्यान रखो किस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर बनाना है। ठीक है, ये हो गया। चलो अगर मैंने यहां पर ऑर्थो में दो ऑर्थो में, अब देखो यहां पर बताते, अब दो ऑर्थो कर दिया मतलब दो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड को मैंने मिलाया, दो ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड के दो ऑर्थो वाले पार्ट को मिलाया, तो दो ऑर्थो वाले पार्ट को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये आपका H6P2O6 आ जाएगा। इसमें से अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल हटाऊंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, थोड़ा सोचो, H4P2O5, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, पायरो। अब यहां से ऑर्थो हट जाएगा, क्या जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, पायरोफॉस्फोरस एसिड। लेकिन अब यहां तक आपको समझ में आ गया, अब ये भी आपका ऑर्थो वाला है, अब इसको दो मोल से मल्टीप्लाई कर दो, अब इसके दो मोल में इस तरफ लेता हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है, इसके दो मोल, तो H3PO4 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा बेटा आपका, सबसे पहले देखो H6P2O8, अब इसमें से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल का मैंने लॉस कर दिया, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने माइनस कर दिया, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, H4P2O7, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको तरीका ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको बताया था, अगर मैंने H3PO4 में से सीधा मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, थोड़ा सोचो, सीधा मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो यहां पर HPO3 बन जाएगा, HPO3, ये आपका साइक्लिक फॉर्म में होता है, आपको बताऊंगा बाद में। अब एक मॉलिक्यूल में से मैंने अगर H2O हटाया तो आपका बनेगा मेटा, तो ये आपका फॉस्फोरिक से बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब आपको सारे एसिड्स के बारे में मैंने बता दिए, समझो, सबसे पहले प्लस फोर वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाले को लेवल वाला बनाओ, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर का लेवल बनाओ, ये चार बनाओ, चार में से बस इस टर्म को समझ लो कि ऑर्थो के ऊपर हाइपो होता है, ऑर्थो के ऊपर हाइपो होता है, ये आपका एक होगा तो इसके जस्ट ऊपर एक होगा, प्लस थ्री वाला अस होता है तो अस के ऊपर जस्ट अस होगा, बात क्लियर है। अगर मैंने ऑर्थो को टू टाइम्स करके H2O को हटाया तो पायरो बन जाएगा, देखो यहां पर ऑर्थो को मैंने टू टाइम्स करके H2O हटाया तो क्या बन गया हमारा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब इसी तरीके से इसका भी देखो, H3PO4 को टू टाइम्स करके मैंने H2O हटाया तो क्या बन गया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये एक तरीका है जो कि आप लोगों को याद रखने के लिए जरूरी है, याद रखने के लिए बच्चों, लेकिन ये दिस इज नॉट अ वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये अंडरस्टैंड करने का एक तरीका नहीं है, ये बस एक मगअप करने का तरीका है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है, ओनली
ओनली ये आपका मगज पढ़ने का तरीका है। नाउ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ तक आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे ऑक्सी एसिड्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ तीन कॉलम, हाँ यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन मेथड, स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन मेथड। और यहां पर ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। अब सबसे पहले तुम आप लोगों के माइंड में कौन सा ऑक्सी एसिड आता है बच्चों? S3PO2 को लेते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? POH, OH। अब OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो आपसे क्वेश्चन यहां से क्या अराइज होगा बच्चों? हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड? इसका नाम क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम होता है बच्चों आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो नाम में लिख देता हूं, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सॉरी बच्चों, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों? इस पे +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों? इस पे आप लोगों का +1, जो कि आप लोग कैलकुलेट करना, बिना ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करे हुए आप लोग आगे मत पढ़ना, सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया तो आप लोगों को सब आ जाएगा, सब 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 एवरीथिंग। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, इसको फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं। ये भी आपका एक नाम है जो कि स्पेशल कंडीशन में आप लोगों से पूछा जाता है और पूछ भी सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ चीजें जो हम लोग इग्नोर करते हैं वही आपसे जेई पूछेगा, तो इसको आप लोग 100% इग्नोर करते हैं। अगर आप लेक्चर नोट्स नहीं देखते तो आप लोग 100% इसको इग्नोर करते हैं, और मैक्सिमम टीचर भी इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो। अब यहां पर एक्चुअली स्ट्रक्चर से आप लोगों को कैसे निकालते हैं? देखो स्ट्रक्चर से, अब देखो स्ट्रक्चर में देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, समझना आप, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस बॉन्ड की वजह से इस पर क्या आएगा? इस बॉन्ड की वजह से इस पर आएगा -1, इस पर +1, इस बॉन्ड की वजह से इस पर -1, इस पर +1, इस बॉन्ड की वजह से। अब देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है इस कंपेयर टू फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस पे -1, इस बॉन्ड की वजह से इस पर -1। अब ये ऑक्सीजन से अटैच है तो इस ऑक्सीजन पे -1, इस पर +1। टोटल नेट अगर निकालना चाहोगे तो क्या आएगा बच्चों? +3 है और -2 है, तो टोटल कितना आ गया? +1। तो स्ट्रक्चर से भी मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकता हूँ, समझ में आया। अब देखो इसका प्रिपरेशन मेथड हम लोग समझते हैं, प्रिपरेशन मेथड जो कि आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रिपरेशन मेथड में आप लोगों ने देखा था, मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो P4 की रिएक्शन जब मैंने अल्कली के साथ कराई थी आपके फॉस्फीन बनाने में, करवाई थी ना फॉस्फीन बनाने में, अल्कली के साथ रिएक्शन करवाई थी, अब आप लोगों को ये याद आ रहा होगा। फॉस्फीन बनाने में जब मैंने अल्कली की रिएक्शन P4 के साथ कराई दी थी तो आपका फॉस्फीन बना था और आपका NaH2PO2 बना था। ये बना था अगर मैंने NaOH लिया था तो, ठीक है, ये बना था आप लोगों का। अब क्या होगा बच्चों, बात समझना, फिर मैंने अगर मैंने इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया, इसका मैंने किसके साथ रिएक्शन कराया? वाटर के साथ मैंने अगर इसका रिएक्शन कराया तो यहां पर क्या बन जाएगा? H3PO2 बन जाएगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? NaOH, देखो वही बन गया। तो यहां पर व्हाइट फॉस्फोरस हो सकता है, यहां पर आपका क्या होगा बच्चों? व्हाइट फॉस्फोरस, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यहां पर आपका व्हाइट फॉस्फोरस होगा। ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी। और यहां पर फॉस्फीन क्या होता है बच्चों? आपका इम्प्योर होता है। फॉस्फीन आपका क्या होता है बच्चों? यहां पर आपका इम्प्योर टाइप का फॉस्फीन, आपका इम्प्योर फॉस्फीन होता है, इम्प्योर फॉस्फीन होता है बच्चों। यहां पर एक्चुअली जो प्योर फॉस्फीन होता है वो क्या होता है? नॉन फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल होता है।
लेकिन जो इम्प्योर होता है, इम्प्योर आपका फ्लेमेबल होता है। और ये फ्लेमेबल क्यों होता है बच्चों, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, P2H4 की प्रेजेंस की वजह से या आपके P4 की वजह से और हाइड्रोजन की वजह से, इन तीनों की वजह से ये आपका आपका क्या होता है बच्चों, फ्लेमेबल होता है। बात समझ में आ गया? तो ये तो था हमारे फॉस्फोरिक एसिड के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब एक और एसिड से हमारे, अब देखो एक और एसिड है बच्चों, इतना टिपिकल नहीं है, जेई सबसे आसान है। आप लोग अगर करना चाहोगे तो जेई, जेई तो क्या आप लोग सब कर सकते हो। अगर आपने जो लेक्चर नोट्स में बताना हो ना, अगर उस लेक्चर नोट्स को अच्छे से डिटेल में डीपली अगर आप समझ गए ना, तो आपसे ज़्यादा अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी की नहीं हो सकती, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखो। अगला जो दे है हमारा, हमारा क्या है, H3PO3, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब देखो इससे पहले हाइपो आया था, अगर ये इसका कितना होता है बच्चों, +3 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोग कैलकुलेट करना एक बार, इसका +3 होता है। बात क्लियर है? अब देखो अब इसको हम बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोनिक एसिड, ठीक है? ये इसका नाम होता है एक और स्पेशल नेम, जो कि आप लोग छोड़ोगे 100% आई एम डैम श्योर कि आप लोग इसको छोड़ने वाले हो। आप लोग इसको छोड़ देते, अगर आप लोगों के भरोसे में अगर छोड़ देता तो आप लोग इसको 100% छोड़ दिया करते, ठीक है? अब देखो यहाँ पर, अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। स्ट्रक्चर पे फोकस करो, हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। अब बात समझना, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करता है, अपने में से H+ को रिमूव करने का काम करता है, अपने में से क्या रिमूव करने का काम करता है, H+ को रिमूव करने का। ये भी अपने में से H+ को रिमूव करेगा, ये भी अपने में से क्या रिमूव करेगा, H+ को रिमूव करेगा, दोनों अपने में से H+ को रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर समझना, POH, OH और OH, जब इसका अगर मैं बनाना चाहूंगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में, एसिड बेस में, कि यहां पर कितने H+ जा सकते हैं बच्चों, 2 H+ जा सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर HPO3 2- बनेगा, मतलब 2 H+ जाएंगे, तो एक बार आपका 1 H+ जाएगा तो यहां पर H2PO ये बन जाएगा, और एक और जाएगा तो HPO3 2-। अब देखो यहाँ पर कितने एम्फीप्रोटिक कितने स्पीसीज बनेगा बच्चों, यहाँ पर एक आपका एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बनेगा। क्या बनेगा, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आपका एक बनने वाला है, तो यहाँ पर एम्फीप्रोटिक आपका स्पीसीज बनेगा एक। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर हुआ? इस तरीके से आप लोगों को समझना है, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर मुझे H3PO3 को बनाना है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखूंगा, तो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में यहाँ -1, यहाँ +1, इन दोनों में फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉस्फोरस, तो यहाँ पर +1, यहाँ पर यहाँ -1, यहाँ +1, ठीक है? अब ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1। तो अगर मैं नेट में स्ट्रक्चर से निकालना चाहूंगा, तो यहाँ पर 4 प्लस आ गया, 1 माइनस आ गया। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, स्ट्रक्चर के थ्रू भी मैंने आपको क्या बोल दिया, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब मुझे H3PO3 को बनाना है। थोड़ा सपोज करो, थोड़ा सा पीछे आओ, ऑक्साइड पर आओ। ऑक्साइड पर आप लोगों को बताया था बच्चों मैंने, P2O3 की रिएक्शन जब भी मैं H2O के साथ कराऊंगा, नॉर्मल H2O के साथ, तो आपका क्या बनेगा, +3 वाला है, तो +3 वाला बनेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, H3PO3। लेकिन जब मैं हॉट के साथ कराता हूं, तब आपका H3PO3 नहीं बनता, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था। आप देखो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर जाएगा, और ये आपका H3PO4 ये बना लेगा, ठीक है? तो ये तो आपका प्रिपरेशन मेथड में नहीं आएगा, केवल और केवल ये आपका प्रिपरेशन मेथड में आएगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज को फोकस करो। नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा बच्चों, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बच्चों, समझते हैं। थर्ड
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो H3PO4, अब देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, प्लस फाइव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? प्लस फाइव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसका सॉरी ये नहीं होता है, इसका प्लस फोर चार्ज होता है। यहां पर होता है H4P2O6, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है इसका, बहुत बढ़िया। अब यहां पर फॉस्फोरस के ऊपर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूंगा तो इसके स्ट्रक्चर में पीपी लिंकेज डायरेक्टली होते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं बच्चों, पीपी लिंकेज डायरेक्टली होते हैं। और कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो पीपी लिंकेज आपका डायरेक्टली है, पीपी लिंकेज एक ही में होता है। अब देखो यहां पर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहां पर आपके दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दो इधर दो इधर, तो मतलब ये कितने H प्लस दे दे सकता है। इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, मतलब अगर H प्लस को दे रहा है तो इसका मतलब हम बोलेंगे बेसिसिटी, अगर OH माइनस को दे रहा है तो हम बोलेंगे एसिडिटी। तो इसी तरीके से इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों, अगर मैं मुझे बताना इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों, चार हो जाएगी बेसिसिटी, चार हो जाएगी। जितने H प्लस देगा उतना इसका बेसिसिटी हो जाएगा। बात क्लियर है, सबसे सिंपल है। अब बात समझना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर से निकालना चाहूं ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो यहां पर ऑक्सीजन का क्या है बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां पर माइनस वन, यहां पर प्लस वन, यहां पर माइनस वन, यहां पर प्लस वन, ठीक है, यहां पर माइनस वन, यहां पर प्लस वन, यहां पर माइनस वन और यहां पर प्लस वन, ठीक है, यहां पर प्लस बना देता हूं, यहां पर प्लस वन, ठीक है। और इसकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से, एक दो चार, हाँ इस बॉन्ड की वजह से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कुछ नहीं होगा यहां पर, यहां पर कुछ नहीं होगा। अब यहां पर बताओ, इस बॉन्ड की वजह से इस पर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बॉन्ड की वजह से माइनस वन, ये प्लस वन, ये माइनस वन, ये प्लस वन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर माइनस वन लगाते जाओ। अब यहां माइनस वन, यहां प्लस वन, यहां माइनस वन, यहां प्लस वन, तो यहां टोटल कितने हुए, प्लस फोर हुए। यहां टोटल कितने हुए बच्चों, प्लस फोर हुए। तो कितने हो गए बच्चों, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया मैंने प्लस फोर, अब बेसिसिटी आ गया। चलो यहां तक बात क्लियर है। अब इसको प्रिपेयर करने का प्रिपरेशन मेथड है, अगर मैंने रेड फॉस्फोरस, ध्यान रखना एक ही रिएक्शन है जो आपके रेड फॉस्फोरस से चल रही है, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर मैंने अल्कली के साथ कराई, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर मैंने अल्कली के साथ कराई, तो ही आपका क्या बनेगा, H4P2O6, H4P2O6 बनेगा। बात क्लियर है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आइसो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब आपके माइंड में आएगा ये क्या हो गया सर, एक नया टर्म आपने बोल दिया। देखो आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एक्चुअली इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। क्या होता है समझना, आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, आपका क्या आ जाता है बच्चों, एक पीओपी बॉन्ड आपका आ जाएगा, और यहां पर ये H से कनेक्ट होगा और यहां पर OH। आप काउंट करो ऑक्सीजन, एक दो तीन चार पाँच छः ऑक्सीजन हो गए, हाँ। तो ये होता है बच्चों आपका हाइपो आइसो फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ में आई, काफी सिंपल है, ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। ये पॉइंट को ध्यान रखो, यहाँ पर पीओपी लिंकेज प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चों, पीओपी लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर पीओपी लिंकेज प्रेजेंट होता है, और ठीक है यहाँ पर आपका पीओपी लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारा इस तरीके से बन सकता है। तो थोड़ा इस चीज को आप लोग फोकस करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थर्ड हो गया ये, अब हम चलते हैं फोर्थ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब हम फोर्थ पॉइंट पर चलते बच्चों, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। देखो H3PO4, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस फाइव। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा बच्चों, समझते हैं स्ट्रक्चर को, समझना बच्चों।
अब देखो यहाँ पर, ये देखो स्ट्रक्चर इस तरीके से बना। अब हमको एक बात समझनी है बच्चों यहाँ पर, कि अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस वन यहाँ पर प्लस वन, यहाँ पर माइनस वन यहाँ पर प्लस वन, यहाँ पर माइनस वन यहाँ प्लस वन, यहाँ माइनस वन यहाँ प्लस वन। अब बात से आपको समझ में आ रही होगी, सब में मैंने बताया है। तो टोटल कितना आया बच्चों यहाँ पर, प्लस फाइव। ऑक्सीडेशन स्टेट बाय स्ट्रक्चर भी ये आ गया और स्ट्रक्चर के थ्रू भी ये आ गया। बात समझ में आ गई। इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है बच्चों आपके, इसमें आपके तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इसका मतलब ये आपका क्या करेगा, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, तीन हो जाएगी। इसकी आपकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपकी थ्री बेसिसिटी हो जाएगी। इसकी कितनी बेसिसिटी आपकी हो जाएगी बच्चों, थ्री बेसिसिटी हो जाएगी। अगर मैं पूछूँ यहाँ पर कितने एम्फीप्रोटिक आपके बनेंगे कंपाउंड, तो यहाँ पर आपके एम्फीप्रोटिक कितने बनेंगे, ये तीन एच प्लस दे सकता है, मतलब एच थ्री पी ओ फोर। अगर पहला एच प्लस देगा तो यहाँ पर एच टू पी ओ फोर माइनस, अगर दूसरा H प्लस देगा मतलब यहाँ पर एच पी ओ फोर टू माइनस, अगर तीसरा H प्लस देगा तो यहाँ पर पी ओ फोर पी ओ थ्री पी ओ फोर थ्री माइनस, पी ओ फोर क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर थ्री माइनस। अब क्या करेगा ये जो कंपाउंड है, एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं बच्चों, उस बात को भी समझ लेते हैं हम लोग यहीं पर, आप लोग भूल गए होंगे। ये आपका एम्फीप्रोटिक है, ये भी आपका एम्फीप्रोटिक है। अब बात समझना, एम्फीप्रोटिक है। अब एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं बच्चों, जो आपके H प्लस भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, विच कैन एक्सेप्ट H प्लस एज वेल एज डोनेट H प्लस आयंस। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आपका H प्लस भी एक्सेप्ट करेगा और जो आपका H प्लस भी डोनेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक। ये भी आपका एम्फीप्रोटिक है, ये भी आपका क्या है बच्चों, एम्फीप्रोटिक है। बात समझ में आ गई, ये भी आपका एम्फीप्रोटिक है। ये बात आप लोगों को कंसेप्चुअली समझ में आ गई होगी। अब बात समझनी है हमको यहाँ पर, कि ये एक्चुअली आपका एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बिहेव कर जाते हैं। ये आपके एसिड एज वेल एज बेस की तरह, दोनों की तरह बिहेव कर जाते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान से समझने है, काफ़ी ईजी है, ठीक है, इस तरीके से। अब एक्चुअली में इसका प्रिपरेशन मेथड, तो इसका प्रिपरेशन मेथड करने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ इसको प्रिपेयर करने का तरीका कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो इसका प्रिपरेशन करने का तरीका है वो आप लोग जानते हो। देखो P4O10 का अगर मैं H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, H3PO4। अब ये आपको याद आ गया होगा। अगर मैं P4O6 का रिएक्शन हॉट के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, H3PO4 और आपका क्या बन जाएगा, PS3। यहाँ पर भी बन गया। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जहाँ आपका H3PO4 बनेगा। जैसे मैंने PCl5 की रिएक्शन H2O के साथ करा दी तो भी आपका क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा। हाँ, ध्यान रखना एक चीज़, अगर मैं PCl3 की रिएक्शन H2O के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा, H3PO3। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो, नोटिस करो, वही रिएक्शन है अब आपकी रिपीट हो रही है बार बार, वही रिएक्शन है आप लोगों की बच्चों यहाँ पर रिपीट हो रही है। जितना आप लोग करोगे उतना आप लोगों को समझ में आता जाएगा, ठीक है। अगला बच्चों अब हम समझते हैं पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो अगला समझते हैं यहाँ पर पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो देखो पायरो फॉस्फोरस एसिड। अब पायरो फॉस्फोरस एसिड आपका होता क्या है, दो मोल ऑफ ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड में से एक H2O निकाल दो। मतलब दो मोल ऑफ ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड में से एक मोल ऑफ H2O निकालोगे तो आपका बन जाएगा यहां पर H4P2O5। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूंगा तो क्या होगा, OH PO OH H। अब आप समझ पा रहे होंगे, नहीं आया होगा समझ में तो कोई बात नहीं, सबसे पहले H3PO3 का स्ट्रक्चर बना लो। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर बताता हूँ। H3PO3 का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े रहते हैं। अब दोनों को बगल में पास पास लाया, चिपकाया, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का लॉस हो गया। तो अब आपका क्या बना बच्चों, ये बन गया। अगर याद नहीं हो तो ऐसे भी याद कर लो, कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये।
अब इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और इसमें कितने पीओपी बॉन्ड है बच्चों? ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, यहाँ पर कितने पीओपी बॉन्ड है? एक पीओपी बॉन्ड है, एक पीओपी बॉन्ड आपका आइसो हाइपोफॉस्फोरस आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में मिला था, विच इज आइसोमर ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में एक्चुअली पीपी बॉन्ड होता है, लेकिन जो उसका आइसोमर होता है आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, उसमें पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस बात का ध्यान रहे बच्चों, ठीक है? ये हो गया। नाउ अगर मैं अब बोलना चाहूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग स्ट्रक्चर से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर इसकी वजह से माइनस वन, ये प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, इसको हटा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसको फिर से बना के इसको हटा देता हूँ, ताकि आपको आप समझ में आ गए ना क्या क्या करना है। तो अब देखो P डबल बॉन्ड O ओ एच, पी ओ पी डबल बॉन्ड O ओ एच, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से चलते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस वन, आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन, यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन, यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन, यहाँ आपका हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कि फॉस्फोरस की? थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो आपको पता है फॉस्फोरस की ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? माइन यहाँ पर आया प्लस थ्री, और इसी तरीके से यहाँ पर भी करोगे तो यहाँ पर भी प्लस थ्री आएगा। देखो अगर मैंने H3PO3 भी आपका प्लस थ्री था, प्लस थ्री वाला आपका, प्लस थ्री वाला ही आपका पायरो फॉस्फोरस एसिड बनाएगा, बात समझ में आई? तो ये तो एक तरीका था। अब इसको हम लोग रिएक्शन में कैसे डाले? रिएक्शन में डालने का मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे PCl3 की रिएक्शन अगर मैंने H3PO4 के साथ करवाई है ना, PCl3 की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ कराई, H3PO4 नहीं, सॉरी H3PO3 के साथ करवाई, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर आप लोगों का बनेगा H2P4O5, ठीक है? ये तो बन जाएगा, क्लियर है? अब देखो क्या चला है एक्चुअली मैकेनिज्म, अगर मैं रिएक्शन को थोड़ा सा फोकस करूँ, थोड़ा सा मैं अगर फोकस करूँ रिएक्शन को, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, समझना? यहाँ पर अगर ये आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? POCl3। वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा? POCl3। आप देखो POCl3 इसको क्या करेगा बच्चों? डिहाइड्रेट करने का काम करेगा। इसको क्या करने का काम करेगा? डिहाइड्रेट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा, ठीक है? और ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? अगर यहाँ पर POCl3 बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा, मतलब डिहाइड्रेट करने का काम करेगा, और डिहाइड्रेट करके आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? H3PO3, और ये खुद आपका H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस हो गए। H2O के साथ जब ये हाइड्रोलाइसिस होगा तो H3PO3 ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, लेकिन PCl3 H2O के साथ रिएक्शन करके कुछ अमाउंट में POCl3 बनाता है, जो कि इन दोनों को डिहाइड्रेट करने का काम करेगा, जो कि इन दोनों को डिहाइड्रेट करने का काम करेगा, कुछ अमाउंट में ये भी बनाएगा, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह दोनों को जोड़ते हुए H2O को निकालने का काम करेगा, समझना? PCl3 POCl3 बनाता है। अब PCl3 का जब मैं H2O के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो आपका H3PO3 बनता है, और यहाँ पर PCl, यहाँ पर H3PO3 बनता है। अब इससे जो थोड़ा या लिटिल अमाउंट में जो POCl3 बना होगा वो एक्चुअली खुद में डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, जो दोनों के कंबाइन होते वक्त H2O को निकालने का काम करता है। ये थोड़ा ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? कोई भी मैकेनिज्म हो बच्चों, और वो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड मैं आपको टर्म्स के हिसाब से बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? कई भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड देख लेते हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड हमारा क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर अगला, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, जैसे H4P2O7, दैट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा हमारा? इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना होगा बच्चों, चेक करो। अगर आप इसमें चेक करना चाहोगे तो इसमें हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों कि आप लोग निकालो, ये आपका प्लस फाइव वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि जो पायरो बना होगा
2 मोल ऑफ H3PO4 जब आपका रिएक्शन करके 1 मोल ऑफ वाटर निकालेगा तो आपका बना होगा बच्चों यहां पर क्या, यहां पर आपका बना होगा H4P2O7। मैंने वही तो बताया था कि पायरो बनाने के लिए 2 ऑर्थो को जोड़ो और 1 H2O को निकालो तो आपका पायरो बन जाएगा। ये आपका तरीका है सिंपल। तो इस टेक्निक से आप लोग तरीका याद रखो। अब एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, इससे बनाए ना तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, समझना। अब यहां से अगर मैंने 1 मोल ऑफ वाटर का मैंने लॉस कर दिया देखो, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, 1 मोल ऑफ वाटर का मैंने लॉस कर दिया तो यहां पर पीओ ओएच ओएच ओ पीओ ओएच ओएच। अब यहां से भी जब आप ऑक्सीडेशन नंबर खुद से निकालना है, ये होमवर्क है आप लोगों का, अब तक मैंने बताया था ये आपका होमवर्क है। यहां पर आपका +5 ही आएगा और इसका भी आपका +5 ही आएगा। तो ये आपका होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, इसी को हम क्या वो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का पायरो फॉर्म। अब ये आपका कैसे बनेगा समझना यहां पर। अब देखो यहां पर बनाने का सिंपल तरीका, H3PO4 को 2 मोल H3PO4 को जब मैं गर्म करूंगा तब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, तब आपका बन जाएगा H4P2O7। दैट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑर्थो सॉरी पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ वी विल स्टार्ट विद मेटाफॉस्फोरिक एसिड, लास्ट और फाइनल हमारा बचा है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड को समझते हैं बच्चों अब हम। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैक्सिमम पूछ लिया जाता है क्योंकि ये एक्चुअली एक खुद में एक पॉलीमेरिक चेन होता है। समझना, पॉलीमेरिक मतलब जो रिपीट 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 रिपीट, जैसे आपका रेड फॉस्फोरस कर रहा था, एक ही यूनिट आपका बार 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 आके जुड़ रहा था, दैट इज कॉल्ड आपका क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमेरिक चेन। पॉलीमेरिक चेन उस बात को समझो, मतलब एक यूनिट को बोलेंगे मोनोमर और बहुत सारे यूनिट को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। तो इसीलिए मैंने उसको बोला जो P4 के बहुत सारे यूनिट आपके जुड़ रहे थे, n यूनिट आपके जुड़ रहे थे, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीमर। समझ में आया, अभी हम इसको समझते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को काफी इजी है। तो हमारा जो है अब है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बेटा अब इससे ज्यादा एडवांस लेवल पे आपसे कुछ नहीं पूछेगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर मोर देन सफिशिएंट। अब इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछ तो सकता कोई, अब तक का जो जो भी एग्जाम आया आप उसके क्वेश्चन उठा लोगे तो इसी में से होंगे सारे। अब देखो H3PO4 में से अगर मैं सीधा 1 मोल ऑफ वाटर माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा HPO3, ये होता है आपका ऑर्थो, आपका होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही होता है, ठीक है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन जो आपका H3PO3 होता है वो आपके 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H3PO3 जो आपका होता है बच्चों वो आपके 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक आपका लीनियर चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एक आपका होता है बच्चों साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में। अब लीनियर चेन के फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, थोड़ा सा देखना ध्यान से। पी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ। अब ये आगे जुड़े रहेंगे। अब देखो ये वाली यूनिट जो है वो बार 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 रिपीट हो रही है, देखो ओ ओ एच और रिपीट हुई, ये वाली इधर रिपीट हुई, बार 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 रिपीट हो रही है, एंड टाइम रिपीट होगी, तो ये लीनियर पॉलीमरिक। अब हम चलते हैं साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में हम इसको बोलेंगे साइक्लिक मेटा ट्राई फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड मतलब यहां पर 3 आपके फॉस्फोरिक एसिड जुड़े रहेंगे। देखो अब क्या करो बच्चों इसको समझने के लिए, अब देखो ये वाला जो फॉस्फोरस है मैं आपको तरीका बताता हूँ, लीनियर आपने बना लिया होगा, तो ये वाला जो फॉस्फोरस है उसको सीधा आप इस ओ से जोड़ दो, देखो मैं बताता हूँ, बेंजीन बना लो, या तो बेंजीन की तरह कुछ स्ट्रक्चर बना लो, देखो मैंने बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब क्या किया बच्चों, ये पीओपी को जोड़ता गया,
तरीका समझना। अब देखो पी पर कौन कौन से निकले हुए, एक ओएच ग्रुप निकला है, एक डबल बॉन्ड ओ निकला हुआ है, तो हर पी पर एक क्या कर दो बच्चों, डबल बॉन्ड ओ कर दो और यहां पर ओएच कर दो, यहां पर डबल बॉन्ड ओ कर दो, यहां पर ओएच कर दो, यहां पर डबल बॉन्ड ओ कर दो, यहां पर ओएच कर दो। तो साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, एचपीओ थ्री जो यूनिट होता है वो आपका तीन होता है, तो इस चीज को ध्यान से समझना, यहाँ पर तीन यूनिट है। अब आप लोगों से इसमें पूछ सकता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज, ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मैं बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो कि आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज, टोटल नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर ये टेट्रामर होता, अगर यहाँ पर टेट्रा होता तो ये चार यूनिट आपस में कंबाइन होती, चार यूनिट को आपस में कंबाइन करना होता, और आप क्या करते कि जो चार यूनिट बना के उसमें से एक पी को सीधा ओ के साथ कनेक्ट कर दो, तो आपको ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस खत्म होता है बच्चों। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है इसके प्रिपरेशन मेथड में कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड किस तरीके से प्रिपेयर होता है रेड फॉस्फोरस से, बस वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक अब समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा हमारा ग्रुप 15 में, अब हमारा चालू होगा ग्रुप 16, जीआरपी 16, और आप लोगों को ग्रुप 15 का एनसीईआरटी के एक एक इंटेक्स क्वेश्चन से लेके सारे क्वेश्चन कर लेने ग्रुप 15 एलिमेंट के। बेटा ग्रुप 15 एलिमेंट से ही यहाँ पर जो जेई आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा वो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है बच्चों वो आपके यहीं से है, ग्रुप 15 एलिमेंट से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपसे ग्रुप 15 से ही पूछता है, क्योंकि ग्रुप 15 ही आपके एनसीईआरटी में सबसे बड़ा है, ठीक है। और ग्रुप 16 की आप लोग चिंता मत करो, वो बड़े प्यार से हम लोग कर लेंगे, ठीक है, उसमें तो टाइम भी नहीं लगेगा, बस यही था जहां तक टाइम लगना था, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना बच्चों अच्छे से करो, अगर आपको रिएक्शन याद नहीं हो रहा है तो बोलो, मैं रिएक्शन भी याद करवाऊंगा, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।